और एक एक साहब, अभी जैसा कि हमारे सुरेश साहब बता रहे हैं, जो मशीन परचेस करेगा उसके यहाँ से अगर मशीन आ गए तो एक मशीन को ला लिए तो वन वीक के अंदर क्लोज कर देता। जैसा कि टैंक मन के अंदर कर रहा ना, ये वन वीक में क्लोज हो जाता। तो तुम्हारा सीओ बैठता ऑफिस में, तुम्हारे को बैठता आउटसोर्सिंग के बच्चे। गलत काम आ रहे हैं उसकी वजह से तो वो बता रहे हैं। చూడాలా మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏరియా లోపల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూడాలా, చూసి మీరు చేయాలి లైటింగ్ మార్చాలి. ఎంట్రీస్ వేరే దగ్గర నుంచి ఎంట్రీస్ ఉంది మేడం, అవి కూడా బంద్ చేసారు మేడం. బార్నిస్ నుంచి కూడా గోడ బార్నిస్ ఉంది మేడం, బార్నిస్ కూడా బంద్ చేసారు. బార్నిస్ సార్ మా తోవీర్ మేడం, తోవీర్ నంగా మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేశారు మేడం. मैं कई मरतबा बोला मैं ना उन्हें, उसकी वजह से ये जितना भी कारवां में प्रॉब्लम हो रहा उनकी वजह से हो रहा। एक तो आप हैदराबाद के मेयर आ रहे, अपने ऑफिस में बैठ के तमाशे कर रहे हैं। ये हुडा पार्क के अंदर, गंगे के टैंक के अंदर कच्ची बोली बंजारा है, जोबली शेख पेश डोली चौकी, वो पूरा पानी आके शातम तालाब पे आता। सीवरेज का रंग लो, सेंटर रंग कुछ भी रंग, डोली चौकी शातम तालाब पे। शातम तालाब से क्या होता, पूरा नया किला होते हुए लंगरस बगदाद का पूरा डुबा लेते हैं। यहाँ आके क्या करते, ये नाला है, नाले में से सीधा मूसी कुछ जाता। जब भी बारिश होती या बगदाद का नहीं अफेक्ट होता, डोली चौकी अफेक्ट होता, लंगरोज होता, ये किंदी गुड़ा फेंक करता। अब इन लोगों का क्या कहना है बोले तो, अब ये पानी गंदा पानी की वजह से हमारे तबियत खराब हो जा रही है। लास्ट तो हमें ट्रक के अंदर हमारे सी साहब को, जियाद साहब को ला के एक प्रपोजल दिए, उसको खंदा खमन से पानी डाल के पूरा मुंशी करने लगे ना, इसके अंदर नहीं आएंगे, वो काम होगा तो अपनी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो ट्विटर का प्रोग्राम था ना, उसमें डाले मैं देखा, मैं लंगर बुढ़ा पार का डाले आके करेंगे क्या। अपन तीन साल से अपन बमले मार रहे, अपन एजेंसी कैंसिल करके निकल लगा बोल के, वो काम ही नहीं हो रहा। खाली आना देखना जाना बोले तो गलत बात हो जाती ना। वो छः महीने पहले बोले सी साहब मेरे को परचेस कर रहे शातम तालाब को लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहाँ डोनर कमिश्नर रेफर थे, पूरा क्लीन कराए थे, नहा बोल के మేయర్ మేడం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఛే మహినా కర్కే భాగ్ గయా, బిల్ భీ నహీ దియే, ఉస్కో 10 సెకండ్ బోలే క్యాన్సిల్ కరో బోల్ కే, క్యాన్సిల్ నహీ కరే, ఉస్కే ఏజెన్సీ కో భీ క్యాన్సిల్ కర్కే ఫిర్ నికాల్ దేనే లగే। లంగర్ హౌస్ హుడా పార్క, గోల్కొండా కండోవాస, శాతం తలాబ, हकीम तक था। एक एजेंसी की लिया था तीन साल के लिए, उन्हें मेंटेन करके देना, उन्हें एक तीन महीने या चार महीने करा, एक हुडा पार्क को करा, उन्हें शातम तालाब करके भाग गया उन्हें। ना उसका बिल दिया उसको, ना उन्हें कुछ कमी। 10 सफर में कमिश्नर साहब को बोला मैं, आपका ने भी एक बार लेटर भेजा था मैं, ये भी मच्छर आए इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा, आजू बाजू कई हॉस्पिटल्स के अंदर मलेरिया से उससे अफेक्टेड हो रहे, मगर वो एजेंसी को कैंसिल नहीं कर रहे हमारे। ये काम है एक्चुअली देखा गया तो चीफ इंटरमोलॉजिस्ट का काम है, उनकी लापरवाही की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही। इसके अंदर ना डेक वालों का काम है, ना इसके अंदर कोई मेंटेनेंस का काम है। मेन चीफ इंटरमोलॉजिस्ट को लेके आना, उससे काम कराना है। लास्ट टाइम कैसा होता था, 2007-08-09 के अंदर चीफ इंटरमोलॉजिस्ट के तहत उसको यूनिट रहते थे, लेबर रहते थे, मैनुअल करता था, काम करके चले आता था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अब क्या हो रहा, तीन गाँव वाले, चाहे लक्ष्मी नगर रहें दो, बगदाद कॉलोनी रहें दो, गिंदी गुड़ा रहें दो,
ये शातम तालाब के आसपास मोहलंगा के आसपास में इधर मूसी इधर हुडा पार्क इधर शातम तालाब कटोरा से पूरा गोलकुंडा पूरा कार्बन अफेक्टेड है मच्छरों से। ओके ओके तो हमारे ये हमारा एक्स कार्पेंटर है बीजेपी का उदय कुमार ये पूरे बीजेपी के है हमारे पूरे लोग हैं और उन लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को मच्छरों से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जोनल साहब को बताया था मैं परसों लास्ट 15 दिन पहले ये काम करना पहले वो खरीद रहे ना अभी आता मैन्युफैक्चर भी हो गया जब तक क्या करेंगे मैडम क्या करेंगे जब तक क्या करेंगे नहीं एक काम करेंगे सी साहब के पास मैनुअल क्या से टेंडर लगाएंगे 10 लाख 5 लाख का जो भी है एक वन मंथ क्या से इसके आसे शातम तालाब क्या से कटोरा क्या से टेंडर लगाएंगे एक एजेंसी को देंगे एजेंसी को दिएगा तो उन्हें लेबर से काम करा लेता हूँ काम करा लेके पूरा क्लीन करे बाद इसको क्या करेंगे पूरा केमिकल डाल के करके इसके जो स्मेल आ रही जो मच्छर बढ़ते जा रहा है इसके ब्लडिंग बहुत हो जा रही है वो उसको कंट्रोल करेंगे अपन ऐसा कर सकते हैं। चलो ये मदलना उसको पूरा फेंका एक 50-50 लेबर 2 महीने का लगा 2 महीने के अंदर पूरा कंट्रोल हो जाता मगर मैडम आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये जो प्रॉब्लम हो रहा जितना आज अपने को अफेक्ट हो रहा हमारे सी की तरफ से अच्छी चिंता मांगी। हाँ मैं कमिश्नर साहब को पूछो मैं महीने में 10 हफ्त तक कमिश्नर साहब को डालता रहा हूँ कि इन्हें बहुत बिल्कुल लापरवाही कर रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नहीं मैं बात करूँ चार पांच जगह पे क्या करेंगे बैलेंस और 200 को छोड़ दीजिए इसके अंदर उधर इधर थोड़ा सा पूरा स्प्रे होते रहता टैंक में उससे मच्छर जितना भी पैदा हो रहा निकलता पूरा मर जाता है। लास्ट टाइम में मुशर्रफ जब थे ना दोनों का महीना वैसे ही कर रहे थे अपन आयल बॉल डाले थे इसके अंदर बैरल डाल के करके इसको कंट्रोल कर लिए थे। अब ये एजेंसी को दिया बल्कि एजेंसी की लापरवाही की वजह से अपने प्रॉब्लम अपन वही कैंसिल कर देंगे नया टेंडर कॉल कर लेंगे।